तो दोस्तों बायोकॉन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। इस क्वार्टर में 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा मिल्स में मैं आपको क्रोज में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,953 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 3,773 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,917 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते 3 से 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 3,917 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ 3,890 करोड़ के आसपास था। आप कह सकते हैं अभी भी मार्केट का अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला। चलिए खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे थे वो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते 3,708 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3,390 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,635 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 3 से 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जब कंपनी के खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 9% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। जिसकी वजह जो है, जो मेन रीज़न है कंपनी के खर्चे का, वो एक है, एक क्या है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 1,477 करोड़ रुपये कंपनी ने कॉस्ट ऑफ मटेरियल में खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल पता नहीं कैसे कंपनी 414 करोड़ ही खर्च की थी, क्योंकि इतना कम नहीं होना चाहिए था। पिछली बार क्या हुआ था नहीं हुआ था वो कंपनी को पता ही होगा, इन्वेस्टरों को तो पता नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल कंपनी ने मात्र 414 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर, जबकि इस क्वार्टर में 1,477 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किया। तो 1,000 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है यहीं पे, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको हाई देखने को मिला है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 148 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 312 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं एक्सपेंस के अंदर, जिसकी वजह से एक्सपेंस जो है थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में 753 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, पिछले साल 414 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 222 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 45% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 70% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट एक बुरी तरीके से आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने मिला है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। लेकिन फिर भी अगर देखें तो कंपनी ने शो कितना किया है, 222 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब नंबर्स से बहुत ज़्यादा अनुमान लगाया था कि इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, और मार्केट का अनुमान था मात्र 170 करोड़ के आसपास। जी हाँ, मात्र 170 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट का अनुमान से अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो बेहतर ही आपको देखने को मिला है। हालांकि नंबर कमजोर देखने को मिले, क्लियरली आपको दिख रहा है कि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मार्केट की कुछ अलग ही प्लानिंग थी। मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर कमजोर आएंगे। EPS 5.52 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 2.62, अभी देखें तो 1.13 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट एस्टीमेट से तो कंपनी के नंबर आपको बेहतर देखने को मिला है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपनी के नंबर गिरते हुए देखने को मिले। देखना पड़ेगा कि मार्केट एस्टीमेट पर कंपनी के नंबर वर्क करेंगे या किसी और फैक्टर के कारण इस तरह से तेजी या गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।